नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं भारतवर्ष में किस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण में ना केवल राजनीतिक दल बल्कि अब तो दिल्ली पुलिस के SHO और वहां की पूरी कमिश्नरी ही उतर आई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में चुन चुन करके हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है। मंदिरों में घुस करके अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए, हिंदुओं को अपमानित किया गया और एक बार फिर से उनको वो जान से मारने की धमकियां उसी तरह मिलने लगी जिस प्रकार से 1947 में मिला करती थी, जिस प्रकार से उनका मतांतरण करवाया गया, जबरन धर्मांतरण करवाया गया, जिस प्रकार से उनकी बहन बेटियों को उठाया गया, जबरन उनको लूटा गया, ठीक वही मंजर आज के पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के हिंदुओं की बात करें, तो उनके हित की बात करने वाला कोई भी नहीं है। जो पाकिस्तानी हिंदू वहां से विस्थापित होकर के जान बचा करके किसी भी प्रकार से भारतवर्ष में घुस पाए, उनकी भी माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अर्थात यहाँ पर दिल्ली सरकार हो या दिल्ली पुलिस हो, उनके पुनर्वास के लिए, उनके घरों के पुनर्निर्माण के लिए, उनके स्थायी आवास के लिए या फिर उनके बच्चों के लिए स्थायी पढ़ाई के लिए अभी तक कोई भी कार्य नहीं किया गया। जबकि दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के एक अदने से विधायक के द्वारा रोहिंग्या घुसपैठी बदमाशों को, जिनके ऊपर भारतवर्ष में यहाँ की जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं काफ़ी सारे ऐसे आरोप लगा चुकी हैं कि वो यहाँ की सुरक्षा में बड़ी सेंध है, वो इसके लिए बड़ा खतरा है, उनको अमानतुल्ला खान एक अदना सा विधायक 10,000 रुपये देता है, झोंपड़ियाँ अलॉट करवाता है, उनके रोजगार के लिए कृत संकल्पित होकर के उनके काम शुरू करवाता है, उनको पूरा पूरा राशन देता है और सीना ठोक करके घोषणा करता है। दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे मजनू का टीला पर किस प्रकार से पाकिस्तान से जान बचा करके आए हुए हिंदुओं की दुर्दशा हो रखी है, उनको कोई पूछने वाला तक भी नहीं है। ऐसी स्थिति में आप किसको कोसेंगे? आपको लगेगा कि दिल्ली की जो सरकार है, केजरीवाल नीत जो सरकार है, इसकी गलतियां हैं। लेकिन इस बात से कौन इनकार करेगा कि दिल्ली की जो पुलिस है वो तो गृह मंत्रालय के अंदर आती है, वो जो पुलिस है वो तो अमित शाह जी के अंडर में आती है। हमने कुछ दिनों पहले आप लोगों को दिखाया था किस प्रकार से पाकिस्तान में हर दिन हमारे प्राचीन से लेकर के नए मंदिरों तक तोड़ा गया और यहां भारतवर्ष में रेलवे स्टेशंस को घेर घेर करके मस्जिदें और मजारे बनाई जा रही हैं, रेलवे ट्रैक को रोक करके उसके सामने मस्जिद प्रकट हो जाती है और वहां पर लोग ये कह रहे हैं कि यहां पर तो धरती फाड़ करके ये मस्जिद निकली है। कोई कह रहा है बाबा आदम के जमाने से है, तो कोई कह रहा है कि पृथ्वी बनने से पहले ये मस्जिद ही यहाँ पर आ गई थी, मजार बनाई गई थी फ्लाईओवर के जस्ट ऊपर। जब लोगों ने पूछा कि ये मजार कहाँ से आई है, तो उस टाइम का मंजर सोशल मीडिया पर देखने लायक था। लोगों ने कहा कि यह मजार तो हवा में झूल रही थी, सरकार ने ही गलती से इसके नीचे से फ्लाईओवर निकाल दिया है। कुछ लोगों ने बताया कि ये तो सन 1800 की है, किसी ने बताया सन 1900 की है। कुछ जागरूक पत्रकार जिस समय पर फ्लाईओवर पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर पूछना शुरू किया कि भाई ये जो मज़ार है ये फ्लाईओवर के ऊपर कैसे आई, हमने अभी तक देखा था कि जंगल हो, मंदिर हो, किले हो, रोड हो, रेलवे ट्रैक हो या फिर यहां तक कि जो वायुयान होते हैं उनके आसपास, उनके जो रनवे एरिया होता है उसके आसपास तलक में आपको मस्जिदें मिल जाएंगी, लेकिन फ्लाईओवर के ऊपर ये कैसे आई? दो सवाल पूछने से पहले ही वहां पर दिल्ली पुलिस का SHO आकर के धमक जाता है, रिपोर्टर्स के साथ में मैन हैंडलिंग करता है, उनको वो बुरी तरीके से धमकाता है और अपनी धौंस झाड़ता है यह कह करके कि आप किसी व्यक्ति को इस प्रकार से परेशान नहीं कर सकते, जबकि वो केवल सवाल ये पूछ रहे थे कि ये मजार यहां पर आई कैसे। अब आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि यह वही केंद्र सरकार, यही गृह मंत्रालय है जिसने की दिल्ली के अंदर जमीन अलॉट करके हज हाउस बनवाया है। आपको लगता होगा कि ये जितने भी हज हाउस दिल्ली के अंदर बन रहे हैं इन सब के लिए जिम्मेदार तो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल है।
क्योंकि आप लोगों के ऊपर, आंखों के ऊपर जो है एक चश्मा लगा हुआ है, एक पर्दा पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं बस एक ही व्यक्ति के ऊपर आपने सब कुछ झोंक देना है, फेंक देना है, झोंक दीजिए, फेंक दीजिए। मैं मानता हूं कि उसने जो तुष्टिकरण की राजनीति है उसकी सारी हदें पार की हैं। मैं मानता हूं कि उसने दिल्ली के अंदर आदमखोर लोगों को बसाया है। मैं मानता हूं कि उसने हिंदुओं का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जिस समय पर यहां चाहे ध्रुव त्यागी हो, चाहे वो रिंकू शर्मा हो, चाहे उसके सरीखे कितने भी लोग हो जो हिंदू थे, चाहे मंदिर यहाँ पर कितने भी टूटे, चाहे चांदनी चौक के दुर्गा मंदिर या हनुमान मंदिर की बात हो, सारे के सारे तुड़वाने का कार्य भले ही दिल्ली की सरकार ने किया हो, लेकिन हर एक जिम्मेदारी केवल उसी पर डाल दी जाए ये तो गलत बात है ना। सरकार कोई भी ऐसा कार्य बिना केंद्र की अनुमति के ऐसा कार्य नहीं कर सकती कि वो जो जमीन है वो 90-100 साल के लिए वहाँ पर सीज हो जाए। ये जो जितने भी हज हाउस बन रहे हैं कौन बनवा रहा है ये बड़ा सवाल है। ये जो पुलिस है ये किसके अंडर में आती है, बड़ा सवाल है। यही नहीं, जब जनता इस पर जवाबदेही की बात करती है तो हमारी दिल्ली पुलिस क्या कहती है, वो कहती है कि आपको इसमें स्थान और डेट भी लिखनी चाहिए थी। अर्थात SHO अपना नाम बोल रहा है, पुलिस वहां पर मैन हैंडलिंग कर रही है, उन पत्रकारों को उठा करके ले जाया जा रहा है, उनकी पिटाई हो रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस ये जानना चाहती है कि किस तारीख की बात है। अब आपको भी पता है कि अगर दिल्ली पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। वहां पर कोई व्यक्ति जानकारी दे रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है, अमित शाह जी इस पर संज्ञान लीजिए, कहीं पर फ्लाईओवर के ऊपर यदि इस तरीके से कोई मजार बनेगी, बकायदा वहां पर यह बताया जा रहा है कि SHO सुरक्षा देता है उस समय पर जिस समय पर मजार के सामने हर जुम्मे नमाज पढ़ी जाती है। अर्थात पूरा का पूरा फ्लाईओवर ब्लॉक करके आप नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन एक अकेला व्यक्ति दूसरे अकेले व्यक्ति से उस मजार की आड़ में खड़े होकर, जिससे कि कोई ट्रैफिक को नुकसान नहीं, वहां एक सवाल नहीं पूछ सकता है। ये दिल्ली पुलिस है, और दिल्ली पुलिस कार्रवाई करने के बजाय उसके अलावा जो काम हो सकते थे वो सारे कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं उन हिंदुओं से जो आसपास के इलाके में रहते हैं, क्या आपको कभी समस्या नहीं हुई इन सब चीजों से? आपको कैसे समस्या होगी, मजार में तो आपका बाबा है, सैयद है, सबसे ज्यादा आप ही तशरीफ और मत्था वहां पर रगड़ते होंगे, आई नो, सबसे ज्यादा चंदा भी आप ही लोग देते होंगे, आई नो, क्योंकि इलाका आप लोगों का है। आप लोगों के इलाके में इस तरीके की मजार रख दी गई। क्या आपको पता है कि भारतवर्ष में ऐसे सैकड़ों इलाके हैं जहां पर जब मुसलमानों की तादाद थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाए तो वहां से हिंदुओं को अपने घर छोड़ करके भागना पड़ता है। मुरादाबाद के एक छोटे से मोहल्ले में, पॉश एरिया का है, लेकिन उसके गेट के पास में मेन एंट्री के साथ में दो मकान जो 50 लाख की कीमत के 3 करोड़ में खरीदे गए और अब वहां पर 81 हिंदू परिवारों का जीना हराम कर चुके हैं। दो परिवार हैं, 81 परिवार वहां पर सामूहिक पलायन के लिए मजबूर हो चुके हैं। स्थिति ये है। पाकिस्तान, हजार बार बोल चुका हूं कि मंगल ग्रह से नहीं टपका है, इसी लैंड से निकला हुआ है, वो स्थान जहां पर आज एक भी जिंदा मंदिर नहीं है, जहां पर एक भी जिंदा हिंदू नहीं बचा है। स्थिति क्या है? स्थिति आज भी यही है कि आपको अपने परमपिता परमेश्वर पर यकीन नहीं, आपको अपने ग्रंथों पर यकीन नहीं, आपको अपने ईश्वर पर यकीन नहीं। आपको यकीन है अगर किसी पर तो वो उस सैयद पर है जिसने की वो सारे कांड किए, जो कि सोफिया गर्ल्स कॉलेज, जो कि एक नवीनतम उदाहरण और बहुत छोटा उदाहरण है, ऐसे सारे के सारे कांड किए। मैं जानता हूं कि 99% हिंदू को नहीं पता होगा सोफिया गर्ल्स कॉलेज कांड क्या था, तो वो जाकर के सर्च कर लें और एक बार अपने घर में जो आपकी बहन बेटियां हैं उनकी तरफ निहार लें तो आपको पता लग जाएगा, थोड़ा सा अंदर से एहसास आएगा कि हुआ क्या था। दूसरी सबसे बड़ी चीज, हिंदुओं की सबसे बड़ी कमी क्या है कि वो सहिष्णु है और असहिष्णुता का टैग लेकर भी वो आराम से घूम रहा है, टहल रहा है, यही दिक्कत है। कौन सा दिन वो होगा जब इस फ्लाईओवर को जाम लगाया जाएगा, उसको पूरी तरीके से रोड ब्लॉक करके कहा जाएगा कि या तो ये मजार हटेगी या फिर हम भी यहां से नहीं हटेंगे। कब वहां दूसरी साइड एक मंदिर बनेगा, कब वहां पर पुजारी जाएंगे और कब वहां पर साप्ताहिक हनुमान चालीसा होगा? क्योंकि दोस्तों ये समस्या बहुत ही मॉडर्न है,
फ्लाईओवर के ऊपर मजार का बनना एक मॉडर्न लैंड जिहाद है, हाईवे जिहाद है, फ्लाईओवर जिहाद है। इसका जो सॉल्यूशन है वो भी एकदम मॉडर्न ही होना चाहिए। दिल्ली पुलिस जो ये पूछने की बजाय कि ये SHO ने ऐसी गलती क्यों की, ये पूछने की बजाय कि दिल्ली की गवर्नमेंट ने, सरकार ने इसकी अनुमति कैसे दी, वो ये पूछ रही है कि ये किस तारीख का और किस जगह का है। अगर दिल्ली सरकार इस तरीके की बातें करेगी तो फैसला तो जनता ही करेगी। जो जनता तारीख और स्थान बता सकती है वो SHO को भी पकड़ सकती है, वो उस जगह का घेराव भी कर सकती है, वो उस जगह को ब्लॉक भी कर सकती है। कौन सा होगा वो दिन, दिल्ली वालों से पूछना तो बनता है, और कौन करेगा इसका नेतृत्व, दिल्ली वालों को बताना तो पड़ेगा। क्या कर रहे हैं हमारे 7 सांसद, क्या कर रहे हैं हमारे 8 विधायक, और क्या कर रही है हमारी 303 सांसदों को लेकर लोकसभा में बैठी हुई वो सरकार जिसके गृहमंत्री सबसे पावरफुल हैं, पूछना तो पड़ेगा, वरना आपका पाकिस्तान होने में समय तो नहीं लगेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सोए हुए हिंदुओं को जगाने का एक छोटा सा गिलहरी प्रयास अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।